प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने। बरसा शीश हम दीनों पर तेरी महिमा गाए। अनजाने हम इस दुनिया में ले चल प्रभु तेरी ही राहों में। अनजाने हम इस दुनिया में ले चल प्रभु तेरी ही राहों में। हम है अब तेरे ही हाथों में तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने। बरसा शीश हम दीनों पर तेरी महिमा गाने। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुंचे, मेरी दुहाई पर ध्यान देने की कृपा कर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहजरे आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, प्रभु यीशु मसीह ने सत्य के मार्ग पर चलने के लिए हमें रास्ता दिखाया है और उस सत्य के मार्ग पर चलकर उस अनंत जीवन के उत्तराधिकारी बनने के लिए हम इस पृथ्वी पर जीवन बिता रहे हैं और इस यात्रा में हमारी मदद करने के लिए मिसा बलिदान बहुत अनिवार्य है। मिसा बलिदान में शक्ति और सामर्थ्य है प्रभु ईसा मसीह के वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए। आइए हम खुशी के साथ अनुग्रह पाने के लिए हम ये मिसा बलिदान में भाग लें। उन क्षणों के लिए प्रभु से माफी मांगे जब हम सत्य के मार्ग से भटक गए हैं। प्रभु करुणामय है, दयालु है। उस करुणामय ईश्वर पर भरोसा रखते हुए हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुआरी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें, हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, कृपा पूर्व हर संकट से हमारी रक्षा कर ताकि हम शारीरिक और आध्यात्मिक बंधनों से मुक्त होकर स्वतंत्र हृदय से स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। ईश्वर आपके हृदय जी आप पर हो तक पवित्र वचन योग्य सुना सके। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर पहला पाठ संत योहन का दूसरा पत्र, वचन संख्या 4-9। मुझे यह देखकर बड़ा आनंद हुआ कि आपकी कुछ संतानें सत्य के मार्ग पर चलती है, जैसे कि हमें पिता की ओर से आदेश मिला है। अब भद्रे, मेरा आपसे एक निवेदन है। मैं आपको कोई नया आदेश नहीं बल्कि वही आदेश दे रहा हूँ
जो हमें प्रारंभ से ही प्राप्त है। हम एक दूसरे को प्यार करें, और प्यार का अर्थ यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के मार्ग पर चलते रहें। जो आदेश आपको प्रारंभ से प्राप्त है वह यह है कि आपको प्रेम के मार्ग पर चलना चाहिए। बहुत से भटकाने वाले संसार में फैल गए हैं। वे यह नहीं मानते कि यीशु मसीह सचमुच मनुष्य बन गए थे। यह भटकाने वाले और मसीह विरोधी का लक्षण है। आप लोग सावधान रहे जिससे आप अपने परिश्रम का फल ना खो बैठे, बल्कि अपना पूरा पुरस्कार प्राप्त करें। जो कोई मसीह की शिक्षा की सीमा के अंदर नहीं रहता बल्कि उससे आगे बढ़ता है, उसे ईश्वर प्राप्त नहीं है। जो शिक्षा की सीमा के अंदर रहता है उसे पिता और पुत्र दोनों प्राप्त हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे जो निर्दोष जीवन बिताते और प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते और उन्हें हृदय से चाहते हैं। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। मैं सारे हृदय से तुझे खोजता रहा, मुझे अपनी आज्ञाओं के मार्ग से भटकने न दे। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। मेरी आँखों को ज्योति प्रदान कर जिससे मैं तेरी संहिता की महिमा देख सकूं। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। जय घोष। अलेलुया। उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, जो नूह के दिनों में हुआ था वही मानव पुत्र के दिनों में भी होगा। नूह के जहाज पर चढ़ने के दिन तक लोग खाते पीते और शादी ब्याह करते रहे। तब जल प्रलय आया और उसने सबको नष्ट कर दिया। लोत के दिनों में भी वही हुआ था। लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते रहे। परंतु जिस दिन लोत ने सोदोम को छोड़ दिया, ईश्वर ने आकाश से आग और गंधक बरसाई और सबके सब नष्ट हो गए। मानव पुत्र के प्रकट होने के दिन वैसा ही होगा। उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो, वह उसे ले जाने के लिए नीचे ना उतरे, और जो खेत में हो वह भी घर ना लौटे। लोत की पत्नी को याद करो, जो अपने जीवन की सुरक्षित रखने का प्रयत्न करेगा वह उसे खो देगा, और जो उसे खो देगा वह उसे सुरक्षित रखेगा। मैं तुमसे कहता हूँ, उस रात को दो एक खाट पर होंगे, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियाँ साथ साथ चक्की पीसती होगी, एक उठा ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इस पर उन्होंने यीशु से पूछा, प्रभु ये कहाँ होगा? उन्होंने उत्तर दिया, जहाँ लाश होगी वहाँ गीद भी इकट्ठे हो जाएंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार का वचन हमारे सारे पापों को मिटा दे, आमीन। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हम सभी इस धरती पर अपना जीवन बिता रहे हैं,
और बाइबल के आधार पर हम इस धरती में परदेसी और प्रवासी हैं, और इसलिए हम लोगों को हमारा स्वदेश जो है स्वर्ग है। फिलिप्पियों के नाम पत्र अध्याय 3:20 में हम पढ़ते हैं, उस स्वदेश की उम्मीद में, उस स्वर्ग की प्राप्ति में हमें इस लोग में जीवन बिताना होगा। प्रभु यीशु दो पुराने विधान के दो उदाहरण हमारे सामने रखते हैं। एक नूह के समय लोग संसारिक जीवन बिताए, यानी पापमय जीवन बिताए, और लौट के समय में भी वहां के लोग मोहमाया में फंसे और पापमय जीवन बिताए, और इन दोनों का नतीजा यह हुआ जितने भी संसार के मोहमाया में जीवन बिता रहे थे वे सबके सब नष्ट हो गए। और इसलिए यीशु हमें चेतावनी देते हैं कि अभी हमें इस संसार में कैसे जीवन बिताना है, और यीशु ने हमें दिखाया भी है अपने जीवन के द्वारा, और उसके बारे में शिक्षा भी प्रभु ईसा मसीह ने हमें प्रदान किया है। तो इसलिए उस शिक्षा पर हमें इस दुनिया में जीवन बिताना होगा, धार्मिक जीवन बिताना होगा, लोट के समान, नूह के समान। संसार के मोह माया से हमें अपने आप को, हमारे परिवारजनों को दूर रखना है और सत्य के मार्ग पर चलना है। सत्य के मार्ग पर चलने का मतलब यह है कि ईश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जीवन बिताना। ईश्वर ने जो फ्रेमवर्क हमें प्रदान किया है उसके अंदर रहकर जीवन बिताना, वो है प्यार का जीवन बिताना। ईश्वर को प्यार करते हुए, पड़ोसी को प्यार करते हुए सन्मार्ग पर एक धार्मिक जीवन हमें बिताना होगा, क्योंकि हमें पता नहीं हमारी बुलाहट कब आएगी। इस दुनिया से हम कभी भी जा सकते हैं, और इस कारण से हम ये पक्का करें कि हम सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं। प्रभु ईसा मसीह के सुसमाचार के मूल्यों के आधार पर जीवन बिता रहे हैं, ऐसे जीवन बिताने वाले धन्य हैं और वही आनंद जीवन प्राप्त करेंगे। इसी आशा में हम जीवन में आगे बढ़े। प्रभु आपको पवित्र आत्मा प्रदान करे कि आप इस शिक्षा पर चल पाए। आमीन। शरण तेरी आया ना, शरण तेरी आया ना, लेके अपनी दिल के तार, लेके अपनी दिल के तार, शरण तेरी आया ना, शरण तेरी आया ना, जो है मेरा सो है तेरा, तूने मुझको दिया बसेरा, जो है तेरा सो है तेरा, तूने मुझको दिया बसेरा, स्वीकारो स्वीकारो शरण तेरी आया ना, शरण तेरी, शरण तेरी, शरण
तेरे पे आया ना। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, हमारे इन बलि उपहारों पर दया दृष्टि डाल। हम तेरे पुत्र के जिस दुख भोग का समारोह मनाते हैं उसका फल प्रेम पूर्वक ग्रहण कर सके, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे, यह उचित और न्याय संगत है। ये प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। जिस प्रकार तूने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा मानव जाति की सृष्टि की, उसी प्रकार अपनी अपार दयालुता के कारण उन्हीं के द्वारा उसका नवनिर्माण भी किया। इसलिए शोभनीय है कि तेरी सृष्टि तेरी सेवा करे, मुक्ति प्राप्त लोग तेरी प्रशंसा करे और तेरे संतजन एक हृदय से तेरा जय जयकार करे। इसलिए हम भी समस्त दुर्गुणों से मिलकर आनंदपूर्वक तेरा यशोगान करते हैं। हम सब मिल गए जीवन ईश्वर का स्तुति गाए। हम सब मिल गए जीवन ईश्वर का स्तुति गाए। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमरीश्वर, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने पवित्र आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उस अपने शिष्यों को देखते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहा जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान के स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपने सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है
कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी आजों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में पलों से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सौभाग्य बने। और ईश्वर की माता धनी वारी मरियम, उनके वर धनी योसेफ, धन्य प्रेरित और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र येसु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग ते राही है। आइए पिता ईश्वर को धन्यवाद दे क्योंकि प्रभु ईसा मसीह के आगमन के द्वारा सत्य क्या है हमें मालूम हुआ है। वही सत्य के मार्ग पर जीवन में आगे बढ़ने की कृपा के लिए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्राइस्ट फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हमारे प्रभु यीशु मसीह, तूने अपने प्रेरितों से कहा है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। हे प्रभु, हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक हमें शांति तथा एकता प्रदान कर। तू गणित जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर रक्त आनंद जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु येसु, मैं सारी हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ।
हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु, तूने हमें इस पवित्र उपहार से पोषित किया है, हम तुझे धन्यवाद देते और तेरी दया की याचना करते हैं। जिन लोगों ने तुझसे दिव्य सामर्थ्य पाया है, वे पवित्र आत्मा के वरदान द्वारा मृत्यु तक विश्वस्त बने रहे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। आमीन। आप लोग विदा लें, सत्य के मार्ग पर जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। मिली मुझे शांति, मिली मुझे चरणों में सुख, जीवन मिला मुझे। गाओ मैं जय जयकार, यीशु है मेरा प्रभु, यीशु है मेरा खुदा, यीशु है मेरा प्रभु, यीशु है मेरा खुदा। सबको सुनाऊं, सबको बताऊं, हल्लेलुया गाऊं, सबको सुनाऊं, सबको बताऊं, हल्लेलुया गाऊं। मुक्ति मिली मुझे, शांति मिली मुझे, चरणों में यीशु के जीवन मिला मुझे। गाऊं मैं जय।